में आलू आ गए हैं, जस्ट सा आलू आया है, आलू का सैंडविच। जैसे कि अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि मुझे बालकनी गार्डन का शौक है, तो मैंने कुछ कुछ सब्जियां बो रखी हैं और आज मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं इन सब्जियों को हार्वेस्ट करने वाली हूँ। कुछ कुछ 100 डेज की लाइफ साइकिल है वेजिटेबल्स की, मैंने हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। फिर मुझे याद आया कि चलो व्लॉग बना लेते हैं इसका। तो देखो ये तो मिर्ची है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता रखा है कि मिर्ची मैं फ्री की लाई थी और जो सब्जी फ्री मिलती है धनिया और मिर्ची, उसके सीड्स बोए हमने और काफी सारी मिर्ची आ गई है। तो यहाँ पे मैं मिर्ची हार्वेस्ट कर रही हूँ, ये देखो जरा पास से दिखाएं, बहुत ही खूबसूरत सुंदर लग रही है हमारा। ये हमारी मिर्ची हार्वेस्ट, हम मूव कर रहे हैं आलू की तरफ। आलू होता है ट्यूबर। पहले मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ, आलू मैंने कैसे बोया है। ये कोई बाजार से लाए हुए किसी चीज के थ्रू नहीं बोया है, ये आलू खरीद के लाए थे और वो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा रूट्स निकलने लगी, तो हमने उसको कट करके उसको पानी में ग्लास में एक प्रॉपर तरीके से मतलब रखा, उसमें रूट्स निकलने लगी तो हमने इसके अंदर उसको बो दिया। अब एक आलू के दो हिस्से बोए थे अलग अलग जगह और इतना प्लांट निकल गया, इसकी अब लाइफ साइकिल हो गई पूरी। मैंने सुना आलू की लाइफ साइकिल 120 डेज होती है और इसको लगभग इतना ही टाइम हो गया है और ये दिख भी रहा है कि अब ये प्लांट खत्म हो रहा है। तो मैं देखना चाह रही हूँ आज कि इसमें आलू उगा कि नहीं हुआ। एंड वी कैन सी दिस आलू, यस इसमें आलू आ गए हैं। साइज, अरे साइज इसका बहुत छोटा सा है, इतना मस्त सा आलू आया है। आलू का सैंडविच बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो ये एक और है, इसके बाद अब मैं इस पूरे प्लांट को यहाँ ऐसे पकड़ के निकालूंगी तो हो सकता है इसमें काफी सारे आलू आए, लेकिन यहाँ हम दो आलू को देखते हैं। पालक ना, ये पॉट मैंने इसमें पूरे में बोई थी बट फॉर सम रीजन ये इस एरिया में उगी नहीं, यहाँ उगी। मैंने वापस बोई फिर भी नहीं उगी, मैं समझ गई इस पालक को यहाँ उगना ही है। तो अब ये पालक हार्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इतनी सी पालक का मैं क्या करूंगी, तो इतनी सी पालक का मैं ये करूंगी कि एक बहुत ही मस्त से सैंडविचेस जिनको खाने का शौकीन है और पिज्जा जिनको खाने का शौकीन है, पालक चीज कॉर्न पिज्जा टाइप का मतलब सैंडविच टाइप का बनता है, इतनी सी पालक से मैं एक अपने लिए एक सैंडविच बना सकती हूँ। इसका मतलब वहाँ देखें हम तो टोटल मिला के दो सैंडविचेस हो गए। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये इसमें सीजर कर दिया। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेथी। मेथी थोड़े दिन पहले मैंने एक पराठा बना लिया था, वापस से ग्रो करनी शुरू हो गई है तो एक पराठा और बन जाएगा। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ शो करूँगी वो ये है कि इधर मेरे टमाटो प्लांट्स में भी फ्लावरिंग हो गई है और ये ज़रा क्लोजअप दिखाएं कि एक टमाटो उग भी गया है। अब यार इन चीज़ों की वैल्यू कुछ अलग ही होती है, देखा जाए तो बाजार से ये चीज़ें मिल जाती हैं बट अगर जब घर पे उगती है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है टमाटो प्लांट में से, जब घर पे उगती है तो उसका वैल्यू अलग ही होता है। तो जब ये ग्रो करेगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो वो भी बनाऊंगी। बट दिस इज माई बालकनी गार्डन। और ये देखो लौकी है, दिस इज लौकी, पर ये तो खराब हो रही क्योंकि इसका पॉट बहुत छोटा है, तो इतने छोटे पॉट में ये नहीं मतलब बन सकता पूरा प्लांट। सो दिस इज माई बालकनी एंड दिस इज माई बालकनी गार्डन, जहाँ पे कुछ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है थोड़े बहुत, क्योंकि जगह कम है तो उस हिसाब से मैंने जितना अपना शौक पूरा करने के हिसाब से लगा रखा है। और थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं, मेरे सैंडविचेस के हिसाब से दो दिन का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है एंड मैं इसे बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि घर की बनी हुई चीज को जब आप खाते हैं यूज करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो ये था मेरा बालकनी का गार्डन के बारे में, आपको मैंने कुछ बताया। अभी उसमें टमाटोज आएंगे तो मैं वापस से एक वीडियो बनाने वाली हूँ एंड मुझे लगता है आप लोग को भी ये करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हैप्पीनेस होता है इनसे, खुशियाँ मिलती हैं, अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर आता है, पॉजिटिविटी फील होती है।